कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होने वाला है, तो स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों का यह दौरा है, जहां पर लोगों से विकास को लेकर संवाद किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो जैसे जैसे जिंदगी सामान्य जम्मू कश्मीर में होती चली जा रही है, वैसे वैसे ही केंद्रीय मंत्रियों का रुख भी वहां पर लगातार हो रहा है। और ऐसे में एक दौरा केंद्रीय मंत्रियों का, जिसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई और ऐसे केंद्रीय मंत्री जो दौरा करेंगे, वहां पर न सिर्फ जमीनी हकीकत को जानेंगे और बदलाव को जानेंगे, बल्कि लोगों से भी संवाद किया जाएगा कि क्या धारा 370 हटने के बाद कुछ बदलाव आया है, क्या उन्हें किस तरह की समस्याएं दिख रही हैं, क्या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार जो विकास के लिए उनके लिए परियोजनाएं लाई हैं, उनको लेकर जानकारी भी दी जाएगी। और चलिए इसी दौरे को लेकर गुलाम नबी आजाद का क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तीसरी अटेम्प्ट केंद्रीय सरकार की है, क्योंकि पार्लियामेंट आ रहा है, पार्लियामेंट में अब इनको जवाब देना पड़ेगा कि पांच साल, तब तक तो 6 महीने हो जाएंगे, कि 6 महीने आपने जम्मू कश्मीर बंद रखा, आपने इंटरनेट बंद रखा, आपने टूरिज्म को ख़त्म किया, आपने एजुकेशन को ख़त्म किया, हेल्थ को ख़त्म किया, लोगों का व्यापार ख़त्म किया, तो अब बताओ। तो अब ये कुछ कहानियाँ वहाँ से लेके आएंगे और दुनिया को सुनाएंगे।